Restart. वो लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS IPS। हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसी मूवी की बात करूंगी जो है पढ़ाई लिखाई पे। हाँ, पढ़ाई लिखाई पे बात करते कभी कभी पढ़ाई का कभी किसी का मन होता है या नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन कई मेरे जैसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई की बुक देखते ही नींद आने लगती है, वो एक अलग लेवल के बंदे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक मूवी आ रही है जिसका नाम है 12th Fail। हाँ, आपने बिल्कुल सही नाम सुना, 12th Fail। हाँ, कई माना कि पास भी होते हैं और कई फेल भी हो जाते हैं, लेकिन फेल हो गए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो IAS IPS नहीं बन सकते। इसी बेस पे कहानी आधारित है और 12th Fail का एक टीजर आ चुका है 1 मिनट 39 सेकंड का और आते ही तहलका मचा दिया है। हमें देखने को मिलता है, हर साल यहाँ सैकड़ों बच्चे आते हैं IAS IPS बनने, लेकिन IAS बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कैसे बच्चे तैयारी करते हैं IAS IPS बनने के लिए। और फिर हमें देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि 2 लाख में से हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनमें से 25 से 30 ही IAS और IPS बन पाते हैं, बाकी बच्चे काम पे लग जाओ और क्या होना है। और दिखाया गया है कि कैसे बच्चे फेल होके भी पढ़ाई में जो अपना मन होता है, धैर्य होता है, और कैसे एटीट्यूड के साथ पढ़ाई जारी रखते हैं और फेल होने के बाद भी रीस्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ फेल के डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा, और मैं आपको बता दूं कि जी स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं और 27 अक्टूबर को 12th Fail आने वाली है। और मुख्य लीड रोल के अंदर में दिखाई देंगे विक्रांत मेसी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक लाइन के अंदर इस मूवी को मैं आपको बताऊं, जीरो से करो रीस्टार्ट, अरे करो ना यार, और मेहनत करो। और जिसके गाने हैं वो भी बहुत बढ़िया है और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले गाने हैं। तो मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है और कॉमेडी भी होगी, सब कुछ मेरे ख्याल से इस मूवी में देखने को भी मिलेगा। तो बाकी मूवी आने पर पता चलेगा, 27 अक्टूबर को ये मूवी आने वाली है। तो आप कितना पढ़े, पढ़ाई में मन लगता है? मेरा तो थोड़ा कम ही लगता है, बाकी 27 अक्टूबर को मूवी आने पर पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।